बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शाम के वक्त सिर्फ एक मिनट का ये छोटा सा अमल कर लो दोस्तों, आपका सदियों सालों पुराना हर रुका हुआ काम फौरन चल पड़ेगा, हर काम की बंदिश खत्म हो जाएगी। अगर आपके मामलात में जितनी भी सख्त से सख्त बंदिश थी वो हमेशा के लिए टूट जाएगी, आपका हर मामला हल हो जाएगा। अगर किसी ने आप पर जादू टूना तावीज कर दिया है जो आपके काम की रिकावट बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको अपने हर मामले में हमेशा के लिए मुकम्मल निजात मिल जाएगी। ये ऐसा अमल है अगर आप कर लेंगे, आपका कोई भी मकसद हो उसमें आपको हमेशा के लिए कामयाबी मिलेगी और आपका हर काम पूरा हो जाएगा। ये वजीफा, ये अमल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इसकी इजाजत के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और नीचे कमेंट में हमें माशाल्लाह कहना पड़ेगा, ताकि हमारी भी साथ साथ हौसला अफजाई होती रहे। आज की दुनिया में हर कोई आला कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, मगर अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान करीम का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि हकीकी और असल कामयाबी दर हकीकत आखरत की कामयाबी है। दोस्तों, अगर आप लोग आज का ये अमल कर लेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, मुकाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, दौलत मिलेगी, आपका हर रुका हुआ काम हमेशा के लिए खुल जाएगा। अमल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान पाक में बयान किया गया है कि हर तंगी के बाद आसानी है, और फिर इस बात को दोबारा बताकर शक करने वालों को क़यामत तक खामोश कर दिया गया है कि बेशक हर तंगी के बाद आसानी है, यानी जिंदगी में तकलीफें और मुश्किलें पहले आएंगी और आसानियां बाद में आपके घर का रास्ता देखेंगी। हर इंसान को दुनिया में पहले मुश्किल काम करना पड़ता है, फिर उसे आसानियां अता की जाती हैं। अगर आप किसान को देख लें तो पहले वो हल चलाता है, फसल काश्त करता है, उसे हर तरह की बुरी चीजों जैसे नुकसान देने वाले जानदारों से बचाता है, और फिर महीनों की मेहनत के बाद उसे भरपूर फसल यानी आसानियां अता की जाती हैं। एक तालिब इलम को देख लें, पहले रातें जाग जाग कर मेहनत करता है, तब जाकर अच्छे नतीजे की सूरत आसानी में हासिल होती है। यानी दुनिया में किसी भी आसानी की कीमत पहले मेहनत, तंगी और मुश्किल की सूरत में काटना होती है, तब जाकर कहीं आसानियां नसीब होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूं, वो अमल आप लोग नोट फरमा लें कि शाम को सिर्फ एक मिनट का वक्त निकाल लें और उस एक मिनट में आप लोगों ने अवलो आखिर दुरूद पाक के साथ 60 मरतबा 60 टाइम्स 60 मरतबा ये अमल पढ़ लेना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजियून या जामियु या मोईदु, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजियून या जामियु या मोईदु। दोस्तों, ये अमल 60 मरतबा आपने शाम के वक्त अवलो आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़ लेना है। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ करें आपका हर अटका हुआ काम, रुका हुआ काम हमेशा के लिए खुल जाएगा। कम से कम आप लोग 3 दिन ये अमल जरूर करें, इंशाल्लाह 3 दिन से पहले ही आपको इसका नतीजा मिल जाएगा। और आखिरी बात कह के आपसे इजाजत चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुतालिया हमें बताता है कि तकलीफें यानी जो आपकी मक्की जिंदगी पहले आई थी, आपने उस मक्की जिंदगी में बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, बड़ी मेहनत की, उसके बाद फिर आपको मुसलसल मेहनत के बाद नतीजा ये मिला कि इनामात का दौर शुरू हो गया, यानी मदनी जिंदगी शुरू हो गई। और याद रखें, ये मक्की और मदनी जिंदगी हर इंसान की जिंदगी में आती है, यानी हर फर्द को तंगी के बाद ही इनामात के दौर में दाखिल किया जाता है। इस बात से कभी भी आप इनकार मत करें, जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आप मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो नबी पाक की मक्की जिंदगी को याद कर लिया करें, इंशाल्लाह ये अमल करें। ये अमल करने के बाद अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को मदनी जिंदगी में तब्दील कर देंगे, यानी आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत का इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।